हाय एवरीवन, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। यूएसए किस तरीके से एक देश को बर्बाद करता है, इस चीज को हम देख और समझ सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर से, जहां पे यूक्रेन को यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज बढ़ चढ़कर वेपन्स भेज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी उन सब वेपन्स को एक्सेप्ट कर रहा। साथ में आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन ऑलमोस्ट एक कठपुतली बना हुआ है यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज का। वहीं जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू नहीं हुआ था तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के पास सफिशियंट टाइम था जहां पे वो पुतिन से बात करके इस पॉसिबल वॉर को रोक सकते थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से यूक्रेन कठपुतली बना हुआ है और क्यों यूएस चाहता है कि दुनिया में हर वक्त वॉर होता रहे। इस वीडियो में आगे बढ़ो इससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। जिन लोगों को हमारे बीच ये नहीं मालूम है कि आखिर में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों किया, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता था और जैसे ही यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता रशिया के लिए। ऐसा क्यों होता? तो नेटो को ज्वाइन करने के बाद अगर कोई भी नेटो मेंबर कंट्रीज के ऊपर अटैक किया जाता है तो उस अटैक को एक कलेक्टिव अटैक माना जाता है और उसके बाद नेटो कलेक्टिवली उस देश के ऊपर अटैक करता है। और जहां तक बात रहा नेटो का, तो ये डोमिनेंट फोर्स है वेस्टर्न कंट्रीज का, उसमें भी यूएस का। तो कहने का मतलब है कि आज भी अगर आप देखेंगे तो यूएस को अगर कोई देश खुले तौर पे चैलेंज करता है या कर सकता है तो वो रशिया ही है। इसी बीच जब फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू नहीं हुआ था तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को ऐसा लग रहा था कि जब ये वॉर शुरू होगा तो यूएस, यूके और भी यूरोपियन कंट्रीज उनको इतना सपोर्ट करेंगे कि उस सपोर्ट से रशिया हार जाएगा और एज अ रिजल्ट ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की एज एन हीरो निकल के आए। लेकिन हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2.5 साल होने वाले हैं और चांसेस काफी हाई हो गए हैं कि यूक्रेन इस वॉर को हार जाएगा। आप ये जो एरिया को देख रहे हैं, ये सारे एरियाज जो हैं वो यूक्रेन में इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। रशिया इसको जानबूझ के इसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट किया है और ऑलमोस्ट जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर थे सबको खत्म कर दिया गया है। और इन्हीं सब एरियाज में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो रशिया को सपोर्ट करते हैं और साथ में इन्हीं सब एरियाज में बहुत सारे लोग हैं जो रशियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो यहां से भी हमें एक चीज समझ में आता है कि इन सारे एरियाज में बहुत सारे प्रॉक्सीज को सपोर्ट किया जाता है रशिया के द्वारा। सो पिछले महीने ही यूएस के पार्लियामेंट ने 95 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का एड को सैंक्शन किया, जिसमें कि 61 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स जो एड है वो डायरेक्टली मिलने वाला है यूक्रेन को। उसी 61 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का एड का एक छोटा सा हिस्सा 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स यूक्रेन को भेजा गया। 14 और 15 मई को एंथनी ब्लिंकन यूक्रेन पहुंचते हैं और वहां पे अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं और साथ में ये भी अश्योर करते हैं कि यूएस का कॉन्टिन्यूस हेल्प मिलेगा यूक्रेन को। अगर आप सिंपली दो एग्जांपल लेते हैं यूक्रेन और इसराइल का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन दोनों देश बढ़ चढ़कर इसीलिए वॉर में है क्योंकि यूएस का इनडेफिनेट सपोर्ट है। यूएस अगर किसी भी देश को एड देता है, मदद करता है, तो उसमें एक जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो होता है वेपन्स का, और वो सारे जो वेपन्स होते हैं वो यूएस के खुद के अपने कंपनी के ही वेपन्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो पैसा घुमा के यूएस के पास ही पहुंचता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करना चाहूं आप लोगों को, तो अगर आप सिंपली यूएस का इन्वेजन को पढ़ेंगे अफगानिस्तान में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे या कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनका कहीं ना कहीं जो लिंक था वो सरकार के साथ लिंक था और एक बहुत बड़ा जो कमीशन था वो डायरेक्टली यूएस के ऑफिशियल्स को मिल रहा था। और इस चीज के बारे में तो आपको इतने सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि यूएस वॉर से इतना अटैच क्यों रहता है। नॉर्मली यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि यूएस यूक्रेन को बोलता कि आप व्लादिमीर पुतिन से बात करें और किसी भी तरीके से इस वॉर को रोका जाए, जहाँ पे जो डैमेज हो गया है सो हो गया है, कम से कम उस डैमेज को और रिड्यूस किया जाए ताकि जो कॉमन सिविलियंस है उनको किसी भी तरीके का जो ट्रॉमा है उससे बचाया जाए। और कम से कम यूक्रेन इस वॉर में 50 साल पीछे चला गया है, तो इसका ये मतलब होता है कि वहां के जो कॉमन सिविलियंस है उनको ना तो ढंग से एजुकेशन मिलेगा ना तो उनको हेल्थ केयर मिलेगा। और उसके पीछे का वजह कौन है? तो सिर्फ और सिर्फ ज़ेलेंस्की है और इनका ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ एक मीडिया आउटलेट की माने तो एंथनी ब्लिंकन ने ज़ेलेंस्की को यह बोला है कि यूएस के जो वेपन्स है वो रास्ते में हैं और बहुत जल्द यूक्रेन को मिलने वाले हैं और उस वेपन में कुछ हिस्सा ऐसा है जो इस वॉर में रियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा सोफेस्टिकेटेड वेपन्स की यहां पे बात हो रही। वहीं पे जो रशिया का एफर्ट है या जो रशिया का पावर है उसको इतना ज्यादा कम करके दिखाया जा रहा कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी लग रहा कि ये जो एड आने वाला है ये इतना स्ट्रांग है कि जैसे ही वो यूक्रेन को मिल जाएगा यूक्रेन उस एड की मदद से
रशिया पे अटैक करेगा, एज अ रिजल्ट उनको ये पॉसिबिलिटी दिख रहा कि रशिया हार जाएगा। सो हमें पता है कि भारत का रिलेशन चाइना के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इस चीज को बहुत ही न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और समझेंगे तो साल 2023 में US 916 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स स्पेंड करता है अपने डिफेंस में। तो कहने का मतलब है कि अगर एक देश ए जिससे कि भारत के संबंध अच्छे नहीं है वो अगर बढ़ चढ़कर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे या डिफेंस प्रोक्यूरमेंट में वो पैसे खर्च कर रहा तो कहीं ना कहीं ये भारत को बता रहा कि अगर आप इतना ही या इसके आसपास का अमाउंट अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि कल को आपके देश का सोवरेंटी खतरे में आ जाए। तो कहीं ना कहीं यूएस के जो इतने एक्सपेंस होते हैं मिलिट्री पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों अलग अलग देशों के अंदर एक इनसिक्योरिटी का फीलिंग्स जागता है और क्यों रशिया, चाइना या वैसे देश जिनके यूएस के साथ संबंध अच्छे नहीं है उनको एक पुश करता है कि आप भी अपने डिफेंस में खर्च करें। अगर सिर्फ बात किया जाए रशिया यूक्रेन वॉर या इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसराइल और यूक्रेन बढ़ चढ़कर यूएस से ही वेपन्स खरीद रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि चाहे जंग यूक्रेन और रशिया के बीच में हो, चाहे पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में हो, जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी निकल के आ रहा है वो यूएस ही निकल के आ रहा। चाहे जनरल डायनेमिक्स हो गया या लॉकहीड मार्टिन हो गया या बोइंग हो गया, ये सब कंपनीज बढ़ चढ़कर वेपन्स बनाते हैं। लेकिन अगर ये सब कंपनीज को किसी भी देश को अगर वेपन्स बेचना है तो ये डायरेक्टली नहीं बेच सकते हैं बिना यूएस गवर्नमेंट के अप्रूवल का। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सब देश वेपन्स बेचते हैं तो कहीं ना कहीं उस वेपन को बेचने के लिए कुछ टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, कुछ लॉबिंग होता है। तो चांसेस बहुत हाई हो जाता है कि इन सभी चीजों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो यूएस के सरकार होते हैं उस वक्त वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी निकल के आते हैं। तो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो एक चीज तो डेफिनेटली समझ में आता है, तो चाहे यूएस के द्वारा यूक्रेन को सपोर्ट करना हो या लीबिया में अटैक करना हो या अफगानिस्तान में इन्वेड करना हो, इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है ये यूएस के उस वक्त के सरकार होते हैं और साथ में वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं। और बाय द वे जितने भी मैंने आर्टिकल्स यूज किए हैं ये आप खुद से इसको वेरीफाई और पढ़ सकते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।